उसी बराज से अत्यधिक पानी छोड़े जाने के कारण वैसे तो बिहार के 16 जिले प्रभावित हैं, लेकिन प्रशासनिक बेरुखी का असर खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड अंतर्गत दियारा में अवस्थित बच्चा सरसुआ, रोहियार व ठुठी मोहनपुर में अधिक देखने को मिल रहा है। पंचायत कोसी व बागमती नदी में आई बाढ़ के कारण यह इलाका प्रभावित हुआ है। कह सकते हैं कि लगभग 70,000 की आबादी प्रभावित हुई है। बावजूद इसके प्रशासनिक दावों के मुताबिक बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। बात अलग है कि चौथम के सीओ रविराज बाढ़ प्रभावित लोगों तक पर्याप्त राहत पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। सीओ का कहना है कि बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। ठुठी सामुदायिक भवन में सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। दियारा के रोहियार पंचायत में अभी 3 व सरसवा पंचायत में 2 सरकारी नाव उपलब्ध कराए गए हैं। शेष व्यवस्था की जा रही है। जबकि 28 सितंबर को कोसी बराज से काफी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद प्रखंड क्षेत्र से गुजरने वाली कोसी व बागमती नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है। नतीजतन दियारा में बसी आबादी प्रभावित हुई है। स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दियारा के लोगों का सड़क संपर्क भंग हो गया है। लाइफलाइन कही जाने वाली नवादा घाट से धमारा घाट तक जाने वाली मुख्य सड़क तक पानी का बहाव काफी तेज है। हालांकि बुधवार से जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है। इसी तरह ठुठी सहरवा सड़क पर पानी का काफी दबाव है। सिसवा गुलरिया आदि जगहों के संपर्क सड़क पर पानी बह रहा है। बंगलिया जाने वाली सड़क कई जगहों पर टूट चुकी है, जिससे लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन लोगों तक किसी तरह की सरकारी सुविधा नहीं पहुंची है। दियारा में बसी आबादी के बीच त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। लोगों के बीच राहत सामग्री नहीं पहुंचने से बाढ़ पीड़ितों के बीच रोष है। सरसवा पंचायत के गुलरिया निवासी सह वार्ड सदस्य मोहम्मद सज्जाद ने बताया कि सरसवा पंचायत का लगभग सभी वार्ड जलमग्न है। सरकार के मुलाजिम देखने तक नहीं आ रहे हैं। पंचायत के सरपंच सुभाष यादव ने बताया कि पंचायत में अभी तक कोई सुविधा नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से आवागमन हेतु ना तो नाव की सुविधा प्रदान की गई है और ना ही राहत शिविर व सामुदायिक रसोई चलाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा भी नदारद है। अभी के समय में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो भगवान ही मालिक है। पशुपालक भी परेशान है। पशुओं के लिए चारा तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बाढ़ प्रभावित इलाके में प्रशासनिक स्तर से राहत सामग्रियों का वितरण होता है अथवा भगवान भरोसे जिंदगी काटना इन लोगों की बेबसी बनी रहती है। ज्योति सिंह की रिपोर्ट। धन्यवाद।